7000 कैदियों में से इन कैदियों को चुना गया है, उनको यहाँ लाया गया और आप दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो कैदी एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तफरी कर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज के दिन की मुनासबत से अभी हमें ये पता चला है कि 2 माह की कैद का जो है वो माफी का ऐलान किया गया है सुपरिंटेंडेंट जेल की जानिब से। सिंधी कल्चर डे के हवाले से कराची सेंट्रल जेल में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां पर तमाम कौमियतें बोलने वाले जो कैदी हैं वो यहां पर रक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरिंटेंडेंट, हम उनसे बात करेंगे, थोड़ा बताएगा कि आज प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है और कितने कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो प्रोग्राम है ये सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। हम समझते हैं चारों सूबे हमारे हैं, हम चारों सूबों के हैं। यहाँ पे आपको ना कोई कैदी, ना कोई साफी, ना कोई सिपाही नज़र आएगा। ये इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि किसी के घर की शादी हो, तो ये हर साल हम इस तरह मनाते हैं ताकि इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज आए कि यहाँ पे कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, महाजर नहीं है, हम सब आपस में भाई हैं। और आपने ये देखा होगा, आपको ये क्राउड नज़र आ रहा है, इसमें सारे कौमों के लोग मौजूद हैं। और इससे हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम सब आपस में भाई हैं और सबको मोहब्बत के साथ रहना चाहिए ताकि बाकी ज़िंदगी जो है वो इनकी सुकून के साथ गुजरे। आज जो कैदी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कोई अच्छा नगमा सुनाएगा या कोई डांस करेगा, उसको कोई इनाम वगैरह भी देंगे या ऐसे ही जाने देंगे? उनको बिल्कुल इनाम दिया जाएगा जी, इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत पॉजिटिव जो है वो एक थिंग है कि कैदियों को जो है वो एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। पूरे जो सेंट्रल जेल है उसके 7000 कैदियों में से इन कैदियों को चुना गया है, उनको यहाँ लाया गया और आप दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो कैदी एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तफरी कर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आज के दिन की मुनासबत से अभी हमें ये पता चला है कि 2 माह की कैद का जो है वो माफी का ऐलान किया गया है सुपरिंटेंडेंट जेल की जानिब से। तो ये इन कैदियों के लिए जो है वो एक आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इनको मौज मस्ती के साथ साथ 2 महीने का रिलीफ भी मिला है। तो अब इन कैदियों में से बहुत से ऐसे कैदी हैं जो बहुत जल्द अपने घरों की जानिब चले जाएंगे, तो उनको जो है वो फौरी तौर पर अब यहाँ से रवानगी के लिए रास्ता देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये कैदी यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती नहीं कर रहे, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी शिरकत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, थोड़ा बताइएगा इन तफरीहों के अलावा और क्या क्या आप लोग कैदियों को कराते हैं? जो भी इवेंट होते हैं जेल के अंदर, 14 अगस्त 23 मार्च ईद सेलिब्रेट करते हैं और हिंदुओं की होली होती है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रहा है तो क्रिश्चियन जो कैदी उनके साथ भी हम सेलिब्रेट करेंगे। जितने भी मजहबी त्यौहार होते हैं ना वो इनके साथ हम मनाते हैं। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रहा है तो जितने भी क्रिश्चियन कैदी है उन्हीं को वैसे इकट्ठा करके उनके साथ हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए इन कैदियों को वो माहौल दिया जा रहा है जो आम जिंदगी में होता है, आम लोग जो यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं। कैदियों को भी यही बावर कराया जा रहा है कि अगर उनसे कोई गलती हो चुकी है या कोई गलती नहीं भी की है तो उनको जो है वो यहाँ पर दरसगाह के तौर पर रखा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। ये एक पुलिस वाला यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है, उनसे जानेंगे क्यों एंजॉय कर रहे हो इतना। यार हमारे को आज बहुत खुशी हुआ है, सेंट जेल में जी हमारा ऑफिसर है, बड़े कैदी को सकून दे रहे हैं, ऐसा सा मार को अल्लाह जिंदगी दे, वो इंशाल्लाह जिंदगी देख रहे हो आप लोग, देख रहे कैदी को कितने खुशी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखे ये इसके अच्छे जज्बात है, ये देखे ये वो सारे कैदी है, मैं आपको दिखाऊँ की अभी सारे मौज मस्ती कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और इनकी इंजॉयमेंट की पैमाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन आज ये बहुत खुश है। खुश इसलिए है कि उनको ऐसा माहौल बना के दिया गया है कि यहाँ पर उनको सिर्फ अपने घर जैसा माहौल लग रहा है, अपने मोहल्ले, अपने खानदान जैसा माहौल लग रहा है।